आगे चैत्र नवरात्रि का आज आठवां दिन है और ऐसे में माता महागौरी की उपासना हो रही है। नवरात्रि को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह है। नौ दिन तक मां के नौ रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और आज माता के आठवें स्वरूप यानी कि माता महागौरी की उपासना हो रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि भक्तों का तांता लगना भी सुबह से ही मंदिरों में शुरू हो गया है। माँ गौरी की पूजा की जा रही है। माँ गौरी जो आठवां स्वरूप है, नौ दिन तक माँ के नौ स्वरूपों की पूजा होती है। ऐसे में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। भक्तों का तांता लगना भी अब मंदिरों में शुरू हो गया है। देखिए दुर्गा अष्टमी को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। माता महागौरी की पूजा की जा रही है, आठवां दिन है। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीन रिपोर्टर्स लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं, ग्वालियर से उमेश जुड़ गए हैं, तो वहीं उज्जैन से संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले दीपक का मैं रुख करना चाहूंगी, राजधानी भोपाल में है वो। दीपक, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और किस तरीके से माता महागौरी की पूजा की जा रही है, आठवां दिन है आज? हाँ प्रगति, बता दूँ अभी मैं भोपाल के तलैया स्थित काली माता के मंदिर में उपस्थित हूँ और यहाँ पर आज आठवां दिन है माँ गौरी की पूजा की जाती है। आठवें दिन में अपने कुल देवी की पूजा की जाती है और ये माँ काली का मंदिर, यहाँ पर सैकड़ों भक्त यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं और लगातार पूजा करते हुए आपको देख सकते हैं नज़र आ रहे, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, तमाम लोग आज माँ काली की पूजा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बड़ा उत्साह उनमें देखने को भी मिल रहा है। तो ये अभी हम कालिका माता के मंदिर में हैं और पंडित जी लगातार सबसे पूजा भी करा रहे हैं। लोग अपने श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर प्रसाद हो, चुनरी हो, माता के लिए हार फूल सब लेकर पहुँचे। हमारे साथ कुछ भक्त भी, हम उनसे बात करें। मैडम, आज अष्टमी का पर्व कितना उत्साह है, कैसे मनाई आज नवरात्रि? माता रानी को भोग लगाया जाता है, चुन्नी चढ़ाई जाती है और बड़े उससे मनाया जाता है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है अष्टमी का पर्व। ये देखिए यहाँ पर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान माता रानी के लिए सभी भक्त चुनरी लेकर पहुँच रहे हैं, प्रसाद लेकर पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ छोटी बच्चियाँ भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। आज माता जी की पूजा करने पहुँचे, अष्टमी का पर्व है, क्या तैयारी की थी आज? कुछ नहीं, बस सुबह उठ कर आए हैं पूजा करने के लिए अष्टमी, इसलिए। गाँव वगैरह भी जाएंगे? नहीं नहीं, जाएंगे। तो आज कुल देवी की भी पूजा की जाती है, जय माता। बहुत अच्छी पूजा है आज, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल दीपक, भक्तों में खासा उत्साह है, इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। साथ ही अद्भुत श्रृंगार यहाँ पर माता रानी का किया गया है। उमेश भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। उमेश, कहाँ पर आप मौजूद हैं और भक्तों में कितना उत्साह है, क्या कुछ देख पा रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए इस समय हम छोटी माँ करौली की माता के मंदिर में खड़े हुए हैं और आज जो माता का स्वरूप है उसके आठवें स्वरूप की मंदिरों में लगातार पूजा हो रही है। आप पहले पीछे की तस्वीरें मैं आपको बता देता हूँ, ये छोटी करौली माता का मंदिर है जो राजस्थान में करौली माँ है उसका ही पूरा स्वरूप है, उसकी पिंडली यहाँ पर रखी हुई है और भक्त लगातार पूजा कर रहे हैं। ये काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो भक्त हैं उनमें आप उत्साह खासा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। पाठ पूजा है वो शुरू हो चुकी है, आज अष्टमी का दिन है, विशेष महत्व इस दिन का होता है और आज जो भक्त हैं वो विशेष पूजा करते हैं। जगह जगह मंदिरों में भंडारे होते हैं, आप देख सकते हो तस्वीरों में भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू है, मंदिर के पुजारी हैं उनसे हम मंदिर के जानकारी जुटाते हैं। किससे महाराज जी, ये जो पिंडली है करौली माता की किस तरह से यहाँ पर रखी गई, क्या इसकी मान्यता है? ये जो यहाँ पूर्व में महंत हीरालाल जी महाराज थे जो कि मेरे बाबा जी थे, उन्होंने कुंवर बाबा की प्रेरणा से मैया को प्रसन्न करके यहाँ से पैदल कैला देवी की यात्रा की और वहाँ से मैया को पिंडी रूप में प्रसन्न करके लेकर आए और मैया ने वहाँ से उनको आशीर्वाद दिया कि आप मुझे लेकर चलें यहाँ से और वहाँ स्थापित करें छोटी करौली के नाम से, मैं वहाँ पूजी जाऊँगी।
उस दिनांक से लेकर आज तक यहाँ छोटी करौली के नाम से कैला मैया की यहाँ पूजा होती है। और जो भक्त किसी भी आर्थिक समस्याओं के या किन्हीं भी कारणों के चलते जो राजस्थान कैला देवी नहीं जा पाते हैं, वो भक्त लोग यहाँ मैया का पूजन करते हैं, मैया यहाँ से उनकी पूजाएं स्वीकार करती हैं। कितना पुराना मंदिर है ये, 150 वर्ष प्राचीन मंदिर है। देखिए साफ तौर पर प्रगति पंडित जी का कहना है जो भक्त करौली माँ राजस्थान नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। ये जो मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है और खासकर जब नवरात्रि आते हैं तो इस मंदिर में जो भक्त हैं उनका तांता लगता है। नवरात्रि में भक्तों का तांता लगता है, साथ ही अगर सच्चे दिल से कोई भी मनोकामना मांगी जाए तो वेश जरूर पूरी होती है। हमारे साथ संतोष भी जुड़ गए हैं। संतोष, कहाँ मौजूद हैं आप और किस तरीके से मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान आज के दिन की जा रही है? जी संतोष, आपकी आवाज यहाँ पर क्लियर नहीं है, सही से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। लेकिन देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, यहाँ ग्वालियर से माता करौली, छोटी करौली के नाम से प्रसिद्ध माता हैं उनकी तस्वीरें। और यहाँ भोपाल की अगर बात करें तो माता कालिका के मंदिर की दर्शन आपको अभी हम करा रहे थे। तो यहाँ हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश, दीपक और संतोष हमारे साथ जुड़े थे। तो देखिए नवरात्रि का आज 8वां दिन है और माता महागौरी की आज पूजा होती है।